पार्ट थ्री की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं बुन ने अपना फेस पूरा केक में डिप कर लिया था, जिससे उसका पूरा चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा था और ए भी उसे पहचान नहीं पाता। बट जैसे ए देखता है खाने में मछली की अचार भी है तो वो उसे तुरंत उसे फेंकने को बोलता है। बट वो उस अचार को उसके क्लोज लाकर बोल रही थी एक बार पहले ट्राई तो करो, बट ए उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। और नेक्स्ट सीन में ए माली के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा था वो उस लड़की को अपना मेट कभी नहीं बनाएगा, तो माली उससे इसका रीज़न पूछती है तो ए बोलता है मैं उस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता जो बोलता हो कि मछली का अचार दुनिया का सबसे टेस्टी डिश है, उस अचार की वजह से मेरे पूरे बॉडी में रैशेस आ गए हैं। तो माली बोलती है ठीक है मैं उसे मना कर दूंगी मछली के अचार को बनाने से, तो ए बोलता है नहीं मैं उसे नहीं रख सकता, मैं खुद किसी कंपनी से न्यू मेड को ढूंढ लूंगा। बट माली उसे कन्विंस करने लगती है कि वो उसे एक नई और मछली के अचार से नफरत करने वाली मेड को ढूंढ कर ला कर देगी सिर्फ उसके लिए। तो ये सब सुन ए मान जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम माली को देखते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिख रही थी और वो वुद को बोल रही थी अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें एक ऐसे मेड को ढूंढ कर लाना होगा जो सारा काम तो करती हो बिना शिकायत करते हुए। तो वुड बोलता है मैं एक ऐसी मेड को जानता हूँ और वो है सिंड्रेला, कैसा लगा मेरा जोक। और तभी वहाँ वुन आकर माली से माफ़ी मांगती है और माली को ऐसे परेशान देख वुन भी परेशान हो जाती है। और अब वुन घर छोड़कर जा रही थी बिकॉज वो माली के लिए बर्डन नहीं बनना चाहती थी और उसे पता था अगर ए को पता चल गया कि वो कौन है तो तब तो उसकी वाट लग जाएगी। और ये सुनकर वुड के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलता है मैं उसे पता चलने ही नहीं दूंगी कि तुम हो कौन। और अब माली और वुद मिलकर वुन को अलग अलग लुक करवाते हैं बट उन्हें कोई भी लुक पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज पहली बात तो वुन के ऊपर कोई भी वीक फिट नहीं हो रही थी और उसकी स्किन कलर तो इतनी साफ थी जिससे वो पहचान में आ ही जा रही थी। और अब माली के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो वुन को अजीब सा वीक पहना देती है और उसके पूरे बॉडी कलर का मेकअप ब्राउन कर देती है और अब वुन एकदम परफेक्ट लग रही थी और वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब वुन ने डिसाइड किया था वो अपना नाम वान बताएगी। और अब माली और वुन एक ही घर जा रहे थे बट वुन को काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं वो पहचान में ना आ जाए, बट माली उसे भर भर के कॉन्फिडेंट देती है। और ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ वुन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी था। और पान और ए को वुन जानी पहचानी लगती है और पान तो पूरा सोचने में लग गया था वुन है कौन, जिससे वुन की तो फट रही थी। बट ए बोलता है ये लड़की जानेत है जो कि एक सिंगर है, मैंने पहचान लिया। और पान भी उसे अग्री करता है कि उसे भी लग रहा है कि ये जानेत है और ये सुनकर वुन खुश हो जाती है। और फिर पान और माली यहाँ से चले जाते हैं बट ए ने अभी तक गैस करना नहीं छोड़ा था और वो अलग अलग लड़कियों का नाम लेकर वुन को बोल रहा था तुम इसकी तरह लगती हो, तुम उसकी तरह लगती हो। और इधर श्री अम्फा से झगड़ा कर रही थी बिकॉज वो उसे बता ही नहीं रही थी कि अभी ए रह कहाँ रहा है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और कैट अपनी मैम को अम्फा से लड़ने से मना करती है और बोलती है अम्फा ने जानबूझ के ए को यहाँ से कहीं और भेज दिया है बिकॉज उसकी लाई हुई लड़की तो भाग गई है और ऐसे तो फिर ए मेरा बन जाएगा ना। तो अम्फा बोलती है पहली बात ए तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पहली बात तो ए तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कैट, और दूसरी बात मेरे घर के मर्दों को तुम्हारे घर के किसी भी औरत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी आएगा। और यह सुनकर कैट वुन की इंसल्ट करने लगती है और उसे अनाथ वगैरह ये सब बोलने लगती है, जो सुन तुक-तिक बोलती है क्या तुम अनाथ नहीं थी और क्या श्री ने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया है। और ये सुन कैट की भी बोलती बंद हो जाती है बट उन आकर तुक-तिक को इसके लिए थप्पड़ मार देती है और इसी वजह से दोनों मेड में लड़ाई होने लगती है। और वहाँ डैड आ जाते हैं जो कि श्री के बातों में आकर तुक-तिक और अम्फा को थोड़ा बहुत सुना देते हैं और अम्फा उनसे माफ़ी मांग कर वहाँ से चली जाती है। और फिर तुक-तिक अम्फा के पास आती है जहाँ वो अम्फा को कुछ मेडिसिन लेते हुए देखती है और वो उसे इसके बारे में पूछती भी है बट अम्फा उसे कुछ भी नहीं बताती। तो तुक-तिक बोलती है मुझे माफ़ करिएगा अम्फा, मेरी वजह से आपको माफ़ी मांगनी पड़ी बट मैं ऐसे आपकी और वुन की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, ये तो मैं नहीं जानती कि वुन का बैकग्राउंड क्या है बट अगर आप उसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो मैं भी उससे प्यार करूँगी।
होगी। और ये सुनकर अम्फा उसका शुक्रिया अदा करती है। और इधर श्री उन को ए का एड्रेस निकालने को बोलती है। और इधर ए वुन को सारे रूल्स बता रही थी, जो सुनकर वुन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। और अब ए वुन से जम के उसके घर का सारा काम करवाता है और वुन भी उसे पूरा परेशान कर रही थी। और अब ए वुन को बताता है वो ब्रेकफास्ट नहीं करता, बस एक अलग तरह की कॉफ़ी पीता है। तो वुन उसे कॉफ़ी के फ़ायदे वगैरह बताने लगती है, बट उसे तो ये पता ही नहीं था कि ए कौन सा कॉफ़ी पीता है। तो ए उसे अपनी टाइप की कॉफ़ी बनाना सिखाता है। और जब वुन वो कॉफ़ी ट्राई करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा बकवास लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा था ए ये कॉफ़ी कैसे पी लेता है। और अब ए उसे अपने सारे कपड़े धोने को देता है और उसे सब हाथों से ही धोने का ऑर्डर करता है और मशीन यूज़ करने से मना करता है। और वुन सोच रही थी अगर वो ऐसे उसके सामने कपड़े धोएगी तो उसका सारा मेकअप उड़ जाएगा। और अब वुत वुन से छिप कर मिलने को आता है और वुन ए की बहुत ज्यादा बुराई करती है। तो वुत बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वुन बोलती है मुझे नहीं पता क्या अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम मुझे तब ही डिच कर दोगे। और ये सुनकर वुत को बुरा लगता है और वो साफ बोल देता है कि वो जिंदगी भर सिंगल रहने वाला है, बिकॉज वो जिसे पसंद करता है वो उसे नहीं पसंद करती है। और अब अम्फा ए से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसका पीछा करते हुए उन भी ए के घर आती है। और उसे अब ए का एड्रेस मिल चुका था। और इधर ए वुन को बता रहा था उसे किस टाइप का खाना पसंद है, जो सुनकर वुन उसे सुनाने लग जाती है। तो ए बोलता है पहला रूल अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम मेरे से मुंह नहीं लगा सकती और ज़्यादा बोलने का तुम्हें हक भी नहीं है। तो वुन बोलती है क्या मैं अपनी जीभ ही काट लूँ। और तभी वहाँ अम्फा आती है और उसे देखकर वुन छिपने लग जाती है, बट ए उसे अम्फा से इंट्रोड्यूस करवाता है और वुन सर बिना पीछे करे हुए उन्हें ग्रीट करती है। और इस बात में वो ये एक्सक्यूज देती है कि कल रात उसका नेक अकड़ गया था, इसलिए वो अपने नेक को पीछे नहीं कर पा रही। हाँ इधर उन बाहर से अम्फा और ए की बात सुन रही थी कान लगा के। और अम्फा ए को बोलती है एक बार तुम और वुन बात तो करो और उसके बाद अगर तुम दोनों की नहीं जमी तो तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और ये सब वुन भी सुन लेती है। और इधर श्री तुरंत ए से मिलने के लिए उसके घर जाने वाली थी, बट कैट उसे रोक देती है और बोलती है हमें पहले प्लान बनाना चाहिए वरना ये सब काम नहीं करेगा और मेरे पास एक प्लान भी है, जिसके लिए श्रीमान चाहती है। और इधर विद सैंडी को बोल रहा था तुम ए को क्यों नहीं बता देती कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। तो सैंडी बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, अगर वो मेरे लिए सेम फील नहीं करता होगा तो हम दोनों के बीच ऑकवर्डनेस पैदा हो जाएगी। बट विद उसे उम्मीद देने लगता है कि ए भी शायद उसे पसंद करता हो, बस सैंडी इस बात को सच मानने से साफ इनकार कर देती है। और इधर ए वुन को वो खाना टेस्ट करवाता है जो कि अम्फा उसके लिए बना कर लाई थी और इससे ए वुन को बताना चाहता था उसे कैसे टेस्ट का खाना पसंद है, बट वुन इस वजह से नहीं खाना चाह रही थी बिकॉज उस खाने को अम्फा ने बनाया था। बट वो ए की बात को टाल भी नहीं सकती थी और अम्फा का खाना खा लेने से वुन थोड़ी इमोशनल हो गई थी और उसे याद आता है कैसे अम्फा बचपन में उसके लिए खाना बनाया करती थी। और अब वुन अपना सारा मेकअप धो के सोने के लिए जा रही थी, बट ए उसके रूम के बाहर नॉक कर रहा था, जिससे वुन टेंशन में आ जाती है। तो ए उसे दूसरा रूल बताता है कि वो अपने बॉस की बात को कभी टाल नहीं सकती। और ए ये भी बोलता है अगर वो बाहर नहीं आई तो वो दरवाजे को तोड़ के अंदर चला जाएगा। तो ये सुनकर वुन बाहर आ जाती है, जिसने कि अपने पूरे मुंह में वाइट क्रीम लगा रखा था। और वो इसमें ये एक्सक्यूज़ देती है कि उसे गोरा होना है इसलिए उसने ये क्रीम लगाया है, और उसे थोड़ा ठंड भी लग रहा था इसलिए उसने ब्लैंकेट भी ओढ़ लिया। और ए उसे बताता है वो कॉफ़ी बना रहा था बट वो शुगर और सॉल्ट के जार में कंफ्यूज है कि शुगर कौन से जार में है। तो वुन उसे दोनों जार को टेस्ट करके पता लगाने को बोलती है, जो सुन ए बोलता है मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो काफ़ी स्टुपिड हूँ। तो वुन ये बोल रूम के अंदर चली जाती है कि आप बहुत बड़े वाले स्टुपिड हो। और इधर अम्फा वुत की मॉम को उसकी तरफ से वुन से बात करने को बोलती है और वुत की मॉम वुन को कॉल करती है, जहाँ वो वुन को समझाने लगती है। बट वुन अम्फा के पास दोबारा जाने के लिए साफ मना कर देती है, बट फिर वुन नेक्स्ट डे अम्फा से मिलने के लिए
चली जाती है अंशालय के कहने पर, और वुन अम्फा को बोलती है डैड के घर को मत बेचना, मैं जल्द ही उसे खरीद लूंगी। और इतना बोलकर वो जाने लगती है, बट अम्फा उसे रोक कर बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। बट वुन को उस दिन का याद आता है जब अम्फा उसे और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी, और वुन कहती है जो आपने मेरे साथ किया था क्या वो आपको याद नहीं है। तो अम्फा बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे घर को सेफ रखूंगी, बट एक कंडीशन में, तुम्हें एक के साथ डेट में जाना होगा, जिसके लिए वुन साफ मना कर देती है। तो अम्फा भी उसे बोल देती है ठीक है मत जाओ, मैं तुम्हारे डैड का घर भेज दूंगी, जिसे कि वुन टेंशन में आ जाती है। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ अम्फा ए और वुन को एक दूसरे के प्यार में लाने का प्लान बना रही थी, और अगेन वहाँ तुक्तिक और उन में बहस हो जाती है। और नेक्स्ट डे सैंडी ए से मिलने के लिए उसके घर आती है जहाँ कैट भी आई हुई थी, और इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है बिकॉज कैट ने सैंडी को ओल्ड बोल दिया था। और ये दोनों आकर ए को कल उनके साथ चलने को बोलती हैं, बट ए इन दोनों में किसी के साथ भी जाने से मना कर देता है बिकॉज कल उसका अर्जेंट काम है। और इस लव ट्रायंगल शो को पान और वुन पॉपकॉर्न खाते हुए मज़े से देख रहे थे। और फिर सैंडी और कैट लड़ाई करते हुए ए के घर से चली जाती है, और वुन ए के पास आकर उसे ओल्ड बोलते हुए ग्रीन टी देती है। और ओल्ड वर्ड सुनते ही ए वुन को अपने क्लोज कर लेता और बोलता है मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वुन बोलती है आप हैंडसम हो। तो ए बोलता है वही तो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा लोग मुझे आजकल ओल्ड क्यों बोलते रहते हैं। और ए वुन को बताता है वो इन दोनों लड़कियों में से किसी को भी पसंद नहीं करता है। तो ये सुन वुन उसे प्यार की फीलिंग का एहसास लेने को बोलती है, बट ए एक नया रूल बना देता है कि इस घर में कोई भी रोमांटिक बातें नहीं होनी चाहिए। और इधर श्री कैट के ऊपर चिल्ला रही थी बिकॉज वो ए को डेट में नहीं लेकर जा पाई थी। और इधर वुन पान के पास ए की बुराई कर रही थी, और नेक्स्ट डे ए के घर से बाहर जाते ही वुन भी तुरंत वहाँ से निकलती है और तैयार होकर घर से बाहर आती है। और वो बहुत ही मुश्किल से पान के नज़र से बच के निकल पाती है। और इधर सैंडी काफ़ी परेशान थी बिकॉज उसे लग रहा था ए डेट में गया था। तो विद उसे काफ़ी अच्छे से समझाता है कि ए बस अम्फा के कहने पर डेट में गया है, ना कि अपनी मर्जी से। और इधर श्री कैट के ऊपर गुस्सा कर रही थी बिकॉज उसे भी पता चल गया था ए वुन के साथ डेट में गया है, बट कैट उसे यकीन दिलाती है वो ए को अपने प्यार में पड़ा के ही रहेगी। और इधर ए वुन का वेट कर रहा था जहाँ वुन आती भी है, बट उसके पास ना जाकर अकेले मॉल के अंदर चली जाती है जहाँ वो अपने अकेले ही मस्ती कर रही थी। और वो एक शॉप में एक ड्रेस देखती है और उसे ख़रीद लेती है, और वही ड्रेस पहनकर ए के सामने जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.